सभी इनको इस खोज में निकले निकले तो वैकुंठ पहुंचे, वैकुंठ पहुंचे तो सात द्वार हैं वैकुंठ में, छह तो ऐसे ही निकल गए और सातवें द्वार में घुसते ही जाते अभी चार कुमार हैं। तो आपने अगर फोटो देखा हो है ना, किसी देखना हो तो बस आप बाद में दिखा दूंगा मैं, वो इतने पांच साल की उम्र रहती है इनकी हमेशा, पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ते हुए ना, छोटे से पांच साल के बच्चे ऐसे ही घूमते रहते बिना कपड़े के इधर से उधर, इतने शक्तिशाली के जैसे छोटा बच्चा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, ये एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं, घूमते रहते चारों सांसद रहते सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये घुसे जा रहे हैं एकदम से, एक गेट दो गेट ऐसे करके छह द्वार पार के सातवें द्वार में घुसने लगे तो वहां खड़े थे दो लोग गेट कीपर द्वारपाल, क्या नाम उनका, जय विजय, रुको कहा घुसे चले जा रहे हो है, क्या बच्चे बच्चों का काम नहीं, इधर कहा बच्चे कहा जा रहे तुम है, कोई सबूर ही नहीं है, घुसे चले जा रहे हैं ना कपड़े है ना कुछ, कहा जा रहे हो। बस उनने इतना बोला, ये पहुंचे हुए लोग हैं, आप तक कभी ऐसे सुना नहीं रुको है ना, कभी किसी ने रोका नहीं आज तक, पहली बार सुना रुको, ये कौन है, सकल सूरज से तो सब बोलते हैं, बोले ये वैकुंठ धाम है, यहाँ पे मेरा तेरा तो है ही नहीं, तुम्हें ऐसे कैसे भाव रखते हो, तुम ये कैसा भाव यहाँ पे रखते हो कि जो है तुम्हें लग रहा है कि हम नहीं जा सकते, ये तुम्हारा एरिया है हमारा एरिया है, क्या है, अगर तुम ऐसा भाव रखते हो तो तुम वैकुंठ में रहने के लायक ना, जाओ तुम भौतिक जगत में। तो इस तरीके से उनको क्या मिला, अब ये दूसरी घटना है, एक घटना श्राप वाली पहले दिन हुई थी जिसमें किसको किसने श्राप दिया था, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया था, ये दूसरी घटना है जहां पे कुमारों ने द्वारपालों को श्राप दिया, उस घटना में भी समझता नहीं कि गलती किसकी, इस घटना में भी समझता नहीं कि गलती किसकी, इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये देव इच्छा से हो रहा है, भगवान चाहते थे कि ऐसा हो इसलिए हुआ है ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अभी जब ऐसा हुआ तो भगवान आए दौड़ते हुए बीच बचाव करने है ना, भगवान चाहते थे कि ये हो जाए, नहीं तो पहले भी तो आ सकते थे, सब पता है उनको कहाँ क्या चल रहा है। तो भगवान आए वहां पर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान चाहते थे कि ऐसा हो, क्यों चाहते थे कि भगवान भी लीला करना चाहते थे कि लड़ाई की लीला, कोई उनसे लड़े इस तरह से लीला करना चाहते थे, तो भगवान अब कौन लड़ेगा भगवान से, तो भगवान ने भगवान से लड़ने वाला भी तो उनके लेवल का होना चाहिए, तो उनका अपने दो लोगों को भेजते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ा इंजॉय करके आएंगे, तो भगवान ने इस तरीके से वहां पे आए और कुमारों से कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर अपना भाव दिखाया है, और जब लड़ाई होती है तो बीच बचाव करने वाला ना डिप्लोमेटिकली डील करता है, भगवान ने यहाँ सबसे बढ़िया तरीके से कहा है, पता नहीं चल रहा है कि भगवान किसको डांट रहे हैं। तो भगवान कुमारों से कहते हैं कि ये जो मेरे द्वारपाल हैं जय विजय, इन्होंने आपकी उपेक्षा किया है, आपके प्रति अपराध किया है, तो अगर सेवक कोई गलती करता है तो उसका जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है, तो ये मेरे सेवक हैं और इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए इसका जिम्मेदारी कौन लेता हूं, मैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, भगवान किसी के कुमारों से
भगवान खुद क्षमा मांग रहे हैं, है ना। और वो भी अपने घर में, ऐसे ना दूसरे घर में वैकुंठ की बात आ रही है। भगवान कहते हैं कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और इस तरह अगर कोई सेवक कोई गलती करता है तो उसके मालिक की जिम्मेदारी होती है और मालिक को उसका समाधान करना चाहिए। जिस तरीके से सफेद दाग शरीर पर होने पे पूरा शरीर गंदा हो जाता है, उस तरह से इस तरह से सेवक हो जो इस तरह से गलत काम करे तो मालिक की पूरी इज्जत खराब हो जाती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मेरे लिए सर्वाधिक पूजनीय है। अगर यहां पर भगवान ने बहुत विचित्र बात कह दी, भगवान ने कहा कि अगर मेरी बांह मेरी भुजा भी अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर दे तो मैं इसे काटने में हिचकिचाऊंगा नहीं। भगवान कह रहे कि मैं काट दूंगा, भगवान कह रहे कि काटने में इतना भी सोचूंगा नहीं काटने से पहले, अगर ये अगर मेरा खुद का हाथ ब्राह्मण वैष्णव के प्रति अपराध कर दे तो मैं एक मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं। और उसको कह रहे हैं कि मुझे मेरे भक्त ब्राह्मण वैष्णव इतने ज्यादा प्रिय हैं कि यज्ञ में डाली हुई आहुति मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं देती जितनी प्रसन्नता मेरे भक्तों को प्रसाद खिलाने से मुझे मिलती है। मेरे भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों को धोकर जो गंगा निकलती है वो तीनों लोगों को पवित्र करती है। क्यों क्यों भगवान कहते हैं क्योंकि मेरे भक्त मेरे चरणों की धूल को अपने सिर पे लगाते हैं इसलिए उस गंगा में इतनी शक्ति है। भगवान गंगा की शक्ति को अपना क्रेडिट नहीं दे रहे, किसको दे रहे, क्योंकि मेरे भक्त मेरे चरणों की धूल को अपने सिर पे लगाए हुए हैं इसलिए उस गंगा में इतनी शक्ति है कि वो सबके पापों को धुल देती है। तो ऐसा कौन होगा जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेगा। ये दोनों मेरे सेवक जय विजय ने मेरे मन को ना समझते हुए आपके प्रति अपराध किया है इसलिए मैं आपसे इसकी क्षमा चाहता हूं। आपने जो मैंने दंड दिया है वो सही दिया है। अगर आप चाहें, अब चूंकि ये मेरे सेवक हैं इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ इंतजाम करें कि ये शीघ्र ही मेरे धाम वापस आए। ठीक है, तो इंतजाम क्या किया कि 3 असुर जन्म लेके और जल्दी से वापस आ जाइए। उसके बाद भगवान कहते हैं जय विजय से कि आप परेशान ना हो और आप जाएं, और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि जय विजय कहते हैं भगवान हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। अच्छा भैया इतना जब क्योंकि जय विजय भी भक्त है कुमार भी भक्त है, कुमारों ने जब इतनी ऐसे सुना भगवान की बातें तो कुमारों को समझ में नहीं आया कि हमारे साइड बोल रहे हैं या जय विजय की साइड बोल रहे हैं। तो चारों कुमारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि भगवान हम ना आपकी बात समझ नहीं पा, ये जो आप बोल रहे हो कि भक्तों के प्रति अपराध हमारे लिए बोला जा रहा है कि उनके लिए, कुमारों का समझ भी नहीं आया। तो कुमार भी कहते हैं कि हमसे क्षमा हो गई जो हमने आपके द्वारपालों को शाप दिया, ऐसा कुमार को बोल। और द्वारपाल कहते हैं कि भगवान जैसा आप चाहें वैसा हो, बस हम एक इच्छा रखते हैं कि हम कहीं भी जाए आपको भूले ना, वहीं से निकाला है हे नाथ मैं आपको भूल नहीं, तो मैं आपको हम आपको भूले। भगवान कहते हैं आप हमें नहीं भूलेंगे बल्कि आप हमें क्रोध के भाव में हमेशा याद रखेंगे। तब तो जब शिशुपाल की आत्मा
भगवान के चरणों में मिली तो फिर वहां पर प्रश्न किया ऐसा कैसे तो क्रोध के भाव में आप हमें हमेशा याद रखेंगे और तीन जन्म अपने पूरे करके आप यहाँ वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हें दंड मिला है ये सब मेरा अरेंजमेंट है और आप लोग जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं है ना। तो इस तरीके से कुमार वहाँ से भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। तो जब भगवान इस बीच उचाव करने के लिए आए तो जब उस समय भगवान के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन आता है भागवतम में कि भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है और भगवान का जो माला है फूलों का उसकी महक इतनी ज्यादा फैल रही है और उस माला पे भंवरे वहीं के वहीं मंडरा रहे हैं, पूरी माला पे भंवरे हैं। अगर आप वृंदावन गए होंगे इस्कॉन मंदिर में तो वहां पे एक मुझे लग रहा है कुछ पेंटिंग बनाया है, कुछ 25-30 फीट का पेंटिंग है दीवार के ऊपर, तो उस पेंटिंग में भगवान का रूप बनाया है और उसमें जो माला है उस माला पे भंवरे घूम रहे हैं। तो ये वहां से लिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी की ये महानता है कि उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं होने दिया, ना खुद तो किया ही नहीं और उनकी संस्था इस्कॉन उसमें भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जो शास्त्र से विरुद्ध, तो आप भूल ही जाए, शास्त्र के हिसाब से ना हो। एक बार एक भक्त ने एक पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग उसने बनाया ऐसे मॉर्निंग का दृश्य, उसने सोचा मैं हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी को दिखाऊंगा। तो उसको दिखाने के लिए ले जाने लगे तो उनको लगा नहीं प्रभुपाद जी तो बिना कृष्ण के कोई बात ही नहीं करते, इस फोटो में तो कृष्ण है नहीं। तो उसने क्या किया ना, पेंटिंग तो पूरी बन चुकी थी तो उसने ना जगह निकाल के कृष्ण भी बना दिए, स्मार्ट, तो उन्होंने कृष्ण भी बना दिए, प्रभुपाद जी को दिखाए, प्रभुपाद जी पेंटिंग बनाया। उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था अपने शिष्यों को कि भगवान की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पेंटिंग आप बनाए, है ना। तो वो पेंटिंग आज भी है सब जगह, बहुत सारे लोग आज यूज करते, उन्हें पता ही नहीं इस्कॉन का है पेंटिंग है ना। हम एक बार एक घर में गए थे भगवत गीता बांटने, तो वो माता जी ने गेट खोला और वो इस्कॉन के बारे में क्या क्या बोल डाला। अब वो ऐसे हम नीचे खड़े थे, वो अपने घर में ऊपर खड़ी थी और उनके ऊपर एक पीछे फोटो लगा था राधा गोपीनाथ और अष्ट सखी का। तो मैंने अब मेरे साथ एक और भक्त, वो थोड़ा लोकल भी थे, मैं तो साउथ इंडिया में इतना समझता नहीं लोकल भाषा, और वो समझते थे तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मुझे उनका सिर्फ मूड दिखा, उसको शब्द भी समझ में आए तो उसको ज्यादा बुरा लगा कि इसने कुछ और बहुत बोला। तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, उनकी इच्छा उनका घर, हम आ गए। मैंने कहा कि ये माता तो इतना कुछ बोल रही है और पीछे अपने घर में खड़े तो पीछे दिखता है ना, हमारे इस कौन का ही फोटो लगाया है। तो वो ब्रह्मचारी जी हमारे साथ क्या बात कर रहे हैं, हाँ राधा गोपीनाथ अष्टकी का फोटो लगाया उन्होंने, बोले चलो वापस। वो गए फिर से खुलवाया, कहते हो माता जी ये ना हम आप पे ना केस कर देंगे। क्यों? बोले ये हमारा कॉपीराइट फोटो है, आपने क्यों लगाया घर में। बोले इस्कॉन का फोटो है, हाँ बोले हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, इस्कॉन का ही तो है। बोले अच्छा ऐसा है क्या, फिर दिखाओ अपना गीता, तब उन्होंने खरीदा। तो जब ये भक्त ने वो पेंटिंग बनाया और रूपा जी के सामने ले गए, प्रभुपाद जी हमने एक पेंटिंग बनाया है, तो प्रभुपाद जी ने सीधे प्रश्न किया कौन सा श्लोक है, ये जो पेंटिंग आपने बनाया है कौन सा श्लोक है, इनका नाम लिख लो। नियम मालूम है आपको?
ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन सा श्लोक है, तो श्लोक तो कोई काम है। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो शास्त्र से निरूपित ना हो, शास्त्र के अनुसार ना हो। तो भगवान जब वहां पे उनका आगमन हुआ द्वारपालों और कुमारों के बीच में जाओ कराने के लिए, भगवान का सुंदर रूप है, भगवान के पुष्पमाला है, हमरे उसको मंडरा रहे हैं, भगवान के चरणों में तुलसी है। तो जब द्वार कुमारों ने उस भगवान को प्रणाम किया तो उस तुलसी की गंध इन कुमारों की नाक के अंदर गया और उस गंध से ये शुद्ध भक्त बन गए। कल हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी कैसे भगवत प्रेमी भक्त बने और आज हम समझ रहे हैं कि चारों कुमार कैसे भगवत प्रेमी भक्त बने। प्रेम का मार्ग उनको समझ में आया कब, जब भगवान के चरण की तुलसी की गंध उनकी नासिका से, तब उनको सब अपने आप समझ में आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में लगाई तुलसी है उसको उसकी गंध को लेना चाहिए। नासिका जो हमारी है उसका, जिस तरह से हमने शुरू में बताया कि जिह्वा का परफेक्शन कब है, जिह्वा की जो योग्यता है उसकी पूर्णता कब प्राप्त होती है, जब वो कृष्ण कथा करे और कृष्ण प्रसाद। इस तरह से नासिका की पूर्णता तब होती है जब भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी की गंध को लेंगे। तो इसके बाद चारों कुमार भगवान की परिक्रमा करके वहां से वैकुंठ से चले गए। भगवान ने जय विजय को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ। तो यही जय विजय जब नीचे आ रहे थे उस समय वो दिति कश्यप वाला प्रसंग हो गया और यही दोनों दिति के गर्भ में आ गए। अब असुर दिति से जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहते हैं दैत्य और इनकी बहन अदिति से जो पैदा हुए उन्हें कहते हैं आदित्य। ऐसे आते हैं, एक और आएंगे भी दक्ष प्रजापति की कन्याओं में धनु, उनसे जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहते हैं दानव। इस तरीके से सब फिक्स है, ठीक है। तो दिति के गर्भ में दोनों पुत्र आए। ब्रह्मा जी कहते हैं अभी आपको समझ में आया क्यों पावरफुल है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वैकुंठ से आए हुए। तो इतना वहां पे अपशगुन सब हो रहा था पर कैसे भी करके दोनों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यपु का। ठीक है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इतने शक्तिशाली हैं, हिरण्याक्ष बड़ा था, हिरण्यकश्यपु छोटा था। तो उसके बाद ये गए हैं गदा लेके ढूंढने की, कोई है मेरा जोड़ीदार जो डर सके। कल हमने बनाया था भगवान की चर्चा किया था, इस तरीके से हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष की घटना यहाँ हो गई, भगवान वराहदेव ने उसको मार दिया। हिरण्यकश्यपु की जो घटना है, जो अब ये हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आएगा, उसकी हिरण्याक्षी पत्नी सब रोएंगी, ये सब सातवें स्कंद में आएगा। वहां पे हिरण्यकश्यपु भी गीता बोलेंगे, ठीक है। तो वो सातवें स्कंद में चर्चा होगी। हशेष संक्लेश शमं विदधते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किंबा पुनस्त चरणारविन्दं पराग सेवा रतिर आत्मलब्धम् मुरारे गुण अनुवाद श्रवणं। मुरारे माने भगवान कृष्ण, उनके गुणों का श्रवण करना, भगवान के बारे में कथा सुनना या बोलना। अशेष संक्लेश जितने भी तरह के आपके दुख कष्ट हैं उनका क्या हो जाता है,
ते सब क्या होते हैं। और क्या कहा जाए, किंवा पुनश्च चरणारविंदम पराग सेवा रति आत्मलब्धा। रति भगवान, ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा और उनके चरणों की से, उनके कथा सुनने से उनके चरणों के प्रति रति उत्पन्न होती। तो ये हिरण्याक्ष का भगवान वराहदेव के द्वारा वध हुआ। आगे मैत्रेय विदुर संवाद में विदुर जी कल बता दें, स्वयंभू मनु भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उनके बारे में पूछते हैं कि उनके बारे में आप बताइए, उनके वंशजों के बारे में बताइए, उनकी जो वंश है बड़ा वंशावली, उनके बारे में हमें बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि स्वयंभू मनु का बहुत ही बड़ा गुणगान है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मैत्रेय स्वयंभू मनु के बारे में बताते हैं, सतयुग के शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने जो प्रजापति थे उन सबको संतान उत्पत्ति की आज्ञा दिया था, ब्रह्मा जी का यही सेवा है, तो उनके जितने पुत्र होते हैं सबको इसी सेवा में लगाते हैं। तो करदम उनके पुत्र हुए, उनसे भी कहा कि आप संतान उत्पत्ति कीजिए। करदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो एक्चुअली में सब में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा अब ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, इनकी ऐसी इच्छा है, तो ब्रह्मा जी से कहते ठीक है थोड़ा आपकी भी सेवा कर देंगे और थोड़ा फिर आगे भगवान की भी सेवा करेंगे। तो इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से कि ब्रह्मा जी की आज्ञा की पूर्ति के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए करदम मुनि को एक पत्नी चाहिए। तो भक्त लोग को जो चाहिए भगवान के पास ही जाते हैं। तो करदम मुनि ने तपस्या किया भगवान की, तो करदम मुनि भगवान की तपस्या किए कई सालों, और उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान और स्वयं भगवान गरुड़ पर सवार होकर करदम मुनि को मिलने आए। भगवान करदम मुनि की तपस्या से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए, इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं रोए। ये मैं तो जब करदम मुनि का प्रसंग पढ़ रहा था तब मैंने पहली बार ऐसा सुना कि भगवान किसी की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए है कि भगवान स्वयं रोने लगे, और इतना रोए कि वह एक सरोवर बन गया जिसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। तो भगवान करदम मुनि से कहते हैं कि आप बताइए आपकी, वैसे मैं जानता हूं आपकी इच्छा क्या है। करदम मुनि कहते हैं कि आप तो सदा लोगों पर कृपा करते हैं और आप सबके भाव को जानते हैं, तो मैं आपसे क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक इच्छा है कि मैं मेरे समान शील वाली एक पत्नी चाहता हूं। कौन को बोला? पीछे पता नहीं चल रहा। करदम मुनि ने किससे कहा? भगवान से, ठीक है ना, समझ आ रहे ना कथा कहाँ चल रहा है। तो करदम जी ने भगवान से क्या मांगा? अपने समान शील वाली, क्योंकि जब भी शादी होती है तो वो गुण और शील में बराबर होना चाहिए, है ना। तो दैवी गुण, आपने अगर किसी ने कुंडली वगैरह बनवाया तो उसमें तो दैवी गुण आसुरी गुण, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दैवी गुण वाले पुत्र की शादी
दैवी गुण वाली लड़की से हो, आसुरी गुण वाले लड़के की शादी आसुरी गुण वाले लड़के के साथ हो, दोनों ही खुश रहेंगे। जो भी स्नेच हुआ तो कोई खुश नहीं रहेगा। तो गर्दन जी कहते हैं कि मुझे मेरे क्यों चाहिए पत्नी, क्योंकि मैं उनको कोई ऐसा वो नहीं है, बस उनको एक ही उद्देश्य है कि मेरे पिता ने आज्ञा दिया है मुझे पूरी करनी है, पूरी आज्ञा करने के लिए मुझे पत्नी चाहिए। तो और जो कोई भी चाहिए तो भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के पास गए भगवान से कहते हैं पत्नी चाहिए, ऐसे भक्त भी है। तो भगवान कहते हैं मुझे आपकी इच्छा पता है, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया है। तो कहते हैं आज से दो दिन बाद स्वयं सम्राट स्वयं वो मनु अपनी पुत्री के साथ आएंगे और उनका अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देंगे। तो यहां से एक आदर्श गृहस्थ जीवन की पूरी कथा आती है, संपूर्ण शादी से लेके यहां तक कि रूपा जी लिखते तात्पर्य में कि एक वैदिक सभ्यता से जो एक स्त्री है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। ये स्वयंभुव मनु की ये जो पुत्री है जिनका नाम है देवहूति, इनके चरित्र से पूरी तरीके से समझा जा सकता है भागवत में। पूरा इनका बचपन से क्या शिक्षा मिली से लेके कैसे ये भगवत धाम गई, ये पूरा माता देवहूति के जो कथा है इसमें पूरा आता है। शिव प्रभुपाद जी कहते कि जो स्त्री है वो पहले अपने पिता के संरक्षण में रहती है, फिर अपने एक एज होने के बाद जब उनका विवाह हुआ अपने पति के संरक्षण में रहेंगी, और फिर वो अपने ये जो उनके योग्य संतान है पुत्र है उनके संरक्षण में रहेंगी। तो माता देवहूति का चरित्र इस पूरे वैदिक सभ्यता को पूरे तरीके से निरूपित करता है। तो भगवान ने कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके लिए जो उनकी इच्छा थी वैसा व्यवस्था कर दिया, कह दिया कि दो दिन बाद स्वयं मुनि आपके पास आएंगे अपनी पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में देंगे, आप उसे स्वीकार करें और आप जो अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए जो करना चाहते हैं आप करें। तो ऑलरेडी भगवान आए तो प्रसन्न होंगे, तब तो आए होंगे, फिर इतने प्रसन्न थे कि रोए। और तो और ऐसा आपने नहीं सुना होगा, जैसे देवकी ने तपस्या किया मांगा कि हमारे पुत्र के रूप में आइए, अदिति ने मांगा, और एक दो जगह और वर्णन आता है, एक जगह वर्णन आता है उनका आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान कहते मेरे जैसा कोई है ही नहीं मैं ही आ जाता हूँ, ऐसा भी एक वर्णन आएगा अभी है ना भगवान ये कहते। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन और कहीं तो जितना मेरी छोटी समझ मेरे को अभी नहीं मिला कि भगवान आगे क्या, ये तो जो उन्होंने मांगा वो दे दिया, भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर रो भी लिए। अब कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं चाह रहा तुम वो आएगी उससे शादी कर लेना और मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा अपनी तरफ से, बोनस अपनी तरफ से। ये नहीं मांग रहे ना उन्होंने तपस्या की, इसलिए उन्होंने तपस्या की थी कि एक पत्नी चाहिए, भगवान ने दे दी। भगवान कहते हैं लेकिन मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा पुत्र बनूं, पुत्र बन गया। वही भगवान कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब कर्दम मुनि का प्रॉब्लम सॉल्व, भगवान अपने गरुड़ मान पे वापस गए। जब तक भगवान जा रहे थे जब तक वो दिख रहे थे कर्दम जी उनको ही देख रहे थे, इतना प्रेम भगवान से। तो इसके बाद भगवान चले गए, कर्दम जी अपनी तपस्या अपनी जो साधना जो कुछ था उसमें कंटिन्यू किए,
दो दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और अपनी पत्नी महारानी शत्रुपा के साथ वहां पे आए। जंगल में रहते थे ये, बिंदु सरोवर के पास के है ना, नदी किनारे बिल्कुल जंगल, कुटिया भी ऐसे ही कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो आए वहां पे कर्दम मुनि कहते हैं कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आप राजा हैं, क्षत्रिय हैं, आप जैसे महान राजाओं की वजह से हम जैसे लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, जंगलों में हम सुरक्षित हैं, आप इस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, हम लोगों को ये फैसिलिटी देते हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं। महाराजा मनु कहते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप लोग हमें दिशा निर्देश देते हैं, आपके बताए हुए रास्तों पर हम चल के कुछ भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो यहाँ पर श्री गोपाल जी कहते हैं कि जो स्वयंभू मनु का जो व्यवहार कर्दम मुनि के प्रति है, ऐसा ही व्यवहार एक शिष्य का गुरु के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बाकी तीन समुदाय के लिए गुरु का काम करते हैं। तो इसके बाद कर्दम जी ने उनको बैठने का स्थान दिया, बैठे और उनसे पूछा। जब महाराजा मनु बैठ गए तो कर्दम मुनि ने उनसे पूछा, उनकी प्रशंसा करी और कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। और इसके बाद वो शांत हो गए। और इसके बाद मनु महाराज ने अपने उत्तर में पहले तो कर्दम जी का बहुत प्रशंसा किया, फिर वो कहते हैं कि हे महान ऋषि, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप कृपया ध्यान से सुनिए। मेरी जो पुत्री है देवती, उसने अपना चित्त आपको पहले से ही दे दिया और हम यहाँ आपसे ये विनम्र निवेदन करने आए हैं कि आप हमारी पुत्री देवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो कहते हैं कि वैसे भी हम जानते हैं कि आपने निश्चित ब्रह्मचारी रहने का प्रण नहीं लिया है, आप शादी करना चाहते हैं, ये बात हमें पता है, इसलिए वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं मना ना कर दे। तो क्योंकि वो भक्त है इतने बड़े, सांभू मनु को पता है। तो कहते हैं कि हमें पता है कि आप निश्चित ब्रह्मचारी का प्रण नहीं लिए हैं, आप शादी करना चाहते हैं और इसलिए हम अपनी पुत्री का हाथ आपके पास लेके आए हैं, इसलिए आपसे स्वीकार करें, आप भी शादी करना चाहते हैं और जो चीज आप चाहते हैं और अपने आप को आ जाए तो कभी उसको मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मना करेंगे तो बाद में जब आप चाहते तो हैं, जब आप बाद में फिर उसकी खोज करेंगे और कंजूसों से जाके मानेंगे तो फिर आपकी बेइज्जती भी होगी और मिलेगा भी नहीं, आपको समाज में नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए जो अपने आप आ जाए उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं कि मेरी पुत्री उत्तानपाद और प्रियवृत की बहन है। बता रहे हैं कि लड़की वाला आया है शादी के लिए तो बताएगा ना कि कौन कौन है, इसके भाई कितने संख्या, क्योंकि उत्तानपाद प्रियवृत इतने बड़े राजकुमार है और खुद तो मैं मनु हूं, शंभू मनु सातों समुद्र और सातों द्वीपों के राजा थे। तो कहते हैं ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है और बताते हैं कि वो क्षत्रिय हैं दोनों। इन्होंने मेरी पुत्री ने अपना हृदय पहले से ही आपको दे दिया है, कैसे? नारद जी के द्वारा आपके बारे में सुन सुन के हुआ क्या था कि देवती के पास नारद जी आके कर्दम का गुणगान करते थे, इतना गुणगान किया
अब देवती ने देखा नहीं था ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो, उन्होंने खाली नारद जी से सुना था कि ऐसे करके कोई करदम जी है और उनके ये गुण है, उन गुणों को सुन के उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैदिक सभ्यता में ऐसा ही होता है कि वैदिक सभ्यता के हिसाब से लड़के वाले को कभी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए शादी के लिए हाथ मारने के, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता प्रभुपाद जी का। लड़की वाले जाए और लड़के से रिक्वेस्ट करें, और लड़की यहाँ पर जैसे देवती ने नारद चूंकि भगवान के भक्त है तो उस प्रॉपर जो व्यक्ति है उससे सुन के विश्वास कर दिया, बस सेम हमें मिलता है रुक्मणी कि उन्होंने भी सुन के विश्वास कर लिया कि यही जो ये बोल रहे हैं वही सही है और इनसे ही हमें विवाह करना है। तो मेरी पुत्री पहले से ही आपको चाहती है, आप उनसे विवाह करें, इस तरह से शंभु मुनि ने उनसे विनती किया। तो फिर करदम जी कहते हैं करदम मुनि कि मुझे शादी तो करना है और निश्चय ही मैं आपकी पुत्री से शादी करूंगा, ये सही बात है कि मैं विवाह की इच्छा रखता हूं, और चूंकि अब एक कंडीशन बोलते हैं, कहते हैं इसलिए करता हूं करूंगा क्योंकि आपकी पुत्री ने मुझसे पहले किसी और को अपना मन नहीं दिया, हृदय नहीं दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अगर कोई स्त्री अपने जीवन में पहले पहले जिसको हृदय दे देती है फिर वो पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल सकती, इसलिए अच्छी बात तब होती है जब उसकी शादी उसी से कर दी जाए। कल सबके लिए दो दो गुलाब जामुन लाएंगे, सब बोलेंगे हरि बोल। प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, पढ़ो उनकी किताब। तो कहते हैं कि ऐसा कौन होगा, अब एक तो बता दिया क्यों आपकी पुत्री से विवाह करेंगे, दूसरा बताते हैं ऐसा कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आपकी पुत्री जब कोई आभूषण पहनती है तो उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, वो इतनी सुंदर है। जब कोई आभूषण गहने वो पहनती तो गहने पहनने से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती, उन गहनों की सुंदरता बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि उनको देवती ने पहना है। कल कहीं तो भी कोई मेरे से बात कर रहा था कि सब बंदरों से आए हैं, अब ये सृष्टि की शुरुआत ही है, वहां पे इतने सुंदर लोग हैं, पता नहीं कैसे बंदरों से आए हैं, हो सकता है कुछ आए हैं। तो देवती की सुंदरता के बारे में कहते हैं कि मैंने एक बार सुना है, कदम मुनि कह रहे हैं, मैंने एक बार सुना है कि एक गंधर्व विश्ववासु एक बार अपने हवाई जहाज से जा रहा था, उस समय भी हवाई जहाज होते थे, और वो हवाई जहाज से जा रहा था तो उसने अपने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा, विंडो सीट से, उसके हवाई जहाज था तो जब विंडो सीट में बैठे जब पायलट सीट पे बैठे तो उसने वहां से नीचे देखा तो शंभु मनु के महल की छत पे उनकी पुत्री देवती गेंद से खेल रही थी। तो ये गेंद का खेल नया नहीं, प्रभुपाद जी लिखते जाकर ये कब से सृष्टि के शुरू से है गेंद का खेल, कोई बोले कहीं नया नहीं है। और प्रभुपाद जी और लिखते हैं कि हमें ये आजकल के वैज्ञानिकों को और भौतिक जगत के बड़े बड़े लोगों को ये सब भ्रम होगा कि पहले तो सब पता नहीं कहाँ रहते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो हमने बनाना चालू करी है। नहीं, अगर एक व्यक्ति हुआ क्या था कि विश्वासु गंधर्व हवाई जहाज से जा रहा था, देवती छत पर गेंद से खेल रही थी तो गेंद यूं करती थी, गेंद ऊपर जाती तो ऊपर देखती थी, गेंद नीचे जाती थी नीचे देखती थी, गेंद के साथ वो जंप करती थी और आराम से खेल रही थी। तो उसके खेलने से
उसके जो पायल है उसका साउंड उसको सुनाई दिया और उसका रूप उसको दिखाई दिया, और देवहूति के रूप को देख के विश्वासु बेहोश हो गया और अपने हवाई जहाज से नीचे गिर पड़ा। हरि बोलो, हरि बोल है कि नहीं? ऐसा हरि बोलना हरि बोल हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी स्थिति समझना चाहिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब से नहीं निकली, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग थी महाराजा मनु की कि उसके ऊपर जब वो खेली तब तो हवाई जहाज से देखा, हवाई जहाज से कोई नीचे खेल रहा है गेंद से उसका फेस क्लियर दिख जाए तो बिल्डिंग बहुत ऊंची होगी ना, तो कोई नई बात नहीं है। अभी तो हमें नहीं लगता इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही हो बनी होगी कि हवाई जहाज में उड़ने वाले को नीचे दिख जाए कोई और बेहोश होकर गिर जाए। तो देवती इतनी ज्यादा सुंदर थी, देवती की सुंदरता का बहुत ज्यादा वर्णन है भागवतम में, भगवान का वर्णन और भक्तों का ही वर्णन। कई जगह भागवतम में भक्तों के रूप का वर्णन आता है कई जगह। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि इतना सुन रखा है मैंने आपकी, मतलब ये बात फेमस हो गई थी इस समय, कर्दम जी ने भी जंगल में सुना, कहते इतना मैंने सुन रखा है तो ऐसा कौन होगा जो मना करेगा कि आपकी बेटी शादी नहीं करनी, और मैं निश्चित आपकी सती समान इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, परंतु स्टार टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कहते मेरी एक शर्त है ना, अब आप देखिए यहां पर इतना बड़ा राजा, तुम एक भिखारी जंगल में रहते, तुम्हारा घर भी ढंग का नहीं, और वो राजा खुद आया चल के कि भैया हमारी लड़की से शादी कर दो। अभी कोई साधारण व्यक्ति हो तो बस तुम जो कहोगे वो सब शर्तें मंजूर मैं करूंगा, नहीं यहाँ उल्टा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कहते हैं कि जैसे ही आपकी पुत्री संतान को जन्म देगी मैं संन्यास ले लूंगा, शादी हुई नहीं, रिटायरमेंट प्लान पहले है नहीं, नहीं। शादी हुई नहीं, रिटायरमेंट प्लान पहले ही लगा दिया। ऐसी शादी सुनी कभी? लड़की वाले लड़के वाले बातचीत कर रहे हैं शादी की, लड़का कहे कि इस डेट में मैं जंगल में निकल जाऊंगा, भैया कौन शादी करेगा? पहले बता दिया मेरा बिल्कुल क्लियर, मैं इस वजह से शादी कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने बोला है इसलिए सृष्टि करना है, संतान उत्पत्ति के लिए, तो जैसे ही संतान होगी मैं क्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो कर्दम जी कहते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, अब आप बताइए आपका मंजूर है तो बोलिए। तो मनु महाराज तुरंत अपनी पत्नी शत्रुपा की तरफ देखते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और अपनी पुत्री से भी डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद जी एक भी इतनी सी जगह नहीं छोड़ेंगे क्लियर करने में, सब कुछ तात्पर्य में विस्तार से लिख दिया। ऐसा कल्चर नहीं था कि आदमी अपनी ही चला रहा है, भले लोग आज कहें कि वैदिक सभ्यता में आदमी आदमी की चलती नहीं, मानू महाराज इतने बड़े राजा होकर अपनी पत्नी से कंसल्ट कर रहे, साथ में भी लेके आए, लड़की की शादी की बात है साथ में छोड़, लड़की को भी जबरदस्ती नहीं, उससे पूछे देखो ऐसा बोल रहा है लड़का अभी कह दो। तो देवती ने तो एक ही बात डिसाइड कर रखी थी कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है, क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, बस सारी कंडीशन फेल, एक कंडीशन है भगवान कृष्ण का भक्त है, बस सारी क्वालिफिकेशन हो गई। अभी वो बीटेक एमटेक और कुछ नहीं चाहिए, लाखों का पैकेज नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, क्या? भगवान कृष्ण का भक्त। देवती को दिख रहा है कि कहीं इसके रहने का खाने का कुछ ठिकाना नहीं है,
लेकिन उनको शादी उससे देवती कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय शंभु मनु ने अपनी पुत्री देवती का हाथ उनको दिया, शादी किया। द्रौपदी जी लिखते हैं इतना बड़ा राजा इतनी सिंपल शादी कर रहा है, सीखना चाहिए। द्रौपदी जी कोई डीजे नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल शादी। इतना बड़ा ऐसा नहीं कि उसमें पैसे कमी थी, इतना बड़ा राजा, सातों समुद्र सातों द्वीपों का राजा, और अपनी पुत्री की शादी कैसे किया? पहली बात तो ऐसे आदमी से किया जिसके पास ना जॉब है ना घर है, कुछ नहीं है, एक ही चीज है, क्या है वो? नामधन, नाम महाधन है। उनके पास वो कृष्ण भक्ति का धन है, और इस वजह से देवती भी उनसे शादी करना चाहती है। और स्वयं मनु समझते हैं कि अगर वो एक कृष्ण भक्त से शादी होगी तो ये इसकी लाइफ तो सेट है, कर दी।